हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है विकिपीडिया। और आज मैं नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, उसी के ऊपर ये थर्ड लेक्चर है। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिस्कस किए थे। आप चैनल पे जाके वो लेक्चर जो है दोबारा से सुन सकते हैं। उसी में दो पॉलिसीज़ जो थी वो हमने मेंशन की थी, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो उन्हीं पॉलिसीज़ को समझाने के लिए आज मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा रहेगा सब्सिडरी अलायंस पे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी इंडिया में। सो देवर अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका रूल बंगाल से बाहर जाए। अब रूल बढ़ाने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप वॉर लड़ लो, या फिर आप उसके अलावा है कि कोई रूलर जो है वो डायरेक्टली आपके कंट्रोल में आ जाए। सो वॉर को अवॉइड करके दूसरी तरह किस तरह से बाकी जो रूलर्स हैं, लोकल रूलर्स हैं, उनको अपने कंट्रोल में लाया जाए, वो पॉलिसी, उसके लिए ये दो पॉलिसीज लाई गई जिनका नाम था सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोनों अलग अलग टाइम पे लाई गई। अब हम इनको डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस की। सो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड वेलिस्ले ने, जिनका नाम था रिचर्ड वेलिस्ले, हु वॉज एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। सो इसलिए उस टाइम पे लॉर्ड वेलिस्ले वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो लेके आए थे कॉन्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस का। सो अब सब्सिडरी अलायंस के जो मेन फीचर क्या थे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ से रीड आउट करूँगा। इसमें क्या था कि जितने भी लोकल रूलर्स थे वो खुद, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है जो भी एरिया, उसमें जितने लोकल रूलर्स हैं वो रूलर्स खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, उनको ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आर्मी प्रोवाइड करवाएगी, और उन उसके बदले में या तो रूलर्स को पैसा देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, या फिर उनको कुछ पोर्शन अपनी लैंड का देना पड़ेगा। और इन केस वो पैसा नहीं दे पाते जितना ब्रिटिश डिमांड कर रहे थे, तो उनका जितना रूल है, जितना एरिया है, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। सो इट वॉज द ईजिएस्ट वे कि जिससे आप विदाउट एनी वॉर, विदाउट एनी एग्रेशन, आप किसी का रूल अपने अंडर ला सकते हो। सो हम इसको पढ़ेंगे अब यहाँ से। सो जो मेन फीचर, पहला मेन फीचर क्या है कि एनी इंडियन रूलर हु एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू मेंटेन अ कंटिंजेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन हिज टेरिटरी। सो वो खुद की आर्मी नहीं रख सकता, उसको ब्रिटिश ट्रूप्स ही रखने पड़ेंगे अपनी टेरिटरी में। इट वॉज कमांडेड बाय एन ब्रिटिश ऑफिसर। सो उस जो ट्रूप्स रखे हैं उनको कमांड कौन करेगा, ब्रिटिश ऑफिसर रहेगा। द इंडियन स्टेट वॉज कॉल्ड द प्रोटेक्टेड स्टेट, और जो स्टेट ऐसा करेगी उसको क्या नाम दिया जाएगा, प्रोटेक्टेड स्टेट नाम दिया जाएगा। और द ब्रिटिश हेयर इन आफ्टर वर रेफर टू एज द पैरामाउंट पावर, और उन स्टेट्स में ब्रिटिश को क्या रेफर किया जाएगा, दे वुड बी द पैरामाउंट पावर, और उस रूलर की स्टेट को बोला जाएगा प्रोटेक्टेड स्टेट। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश टू सेफगार्ड दैट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड टू हेल्प इट्स रूलर मेंटेन इंटरनल पीस। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये उसका दायित्व रहेगा कि उसने जो रूलर है उसको एग्रेशन से भी बचाना, बाहर से अगर कोई उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ भी बचाना, और इंटरनली भी पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करके रखनी है। द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड गिव सम मनी और गिव पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश टू सपोर्ट द सब्सिडरी फोर्स। अब इसमें क्या था कि इसके बदले में, ये जो सारी प्रोटेक्शन ब्रिटिशर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके बदले में या तो प्रोटेक्टेड स्टेट कुछ मनी देगी ब्रिटिशर्स को, या फिर अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट देगी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फीचर पे। सो सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कट ऑफ इट्स कनेक्शन विद यूरोपियन पावर्स अदर देन द इंग्लिश एंड विद द फ्रेंच इन पर्टिकुलर, क्योंकि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो थे इनके बीच में राइवलरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सो इसमें एक कंडीशन और रखी गई थी कि जो जितनी भी प्रोटेक्टेड स्टेट्स होंगी उनको सारे के सारे रिलेशंस तोड़ने पड़ेंगे
जितनी भी बाकी यूरोपियन पावर्स है एक्सेप्ट इंग्लिश, यानी ब्रिटिशर्स को छोड़ के बाकी सब पावर्स से उनको अपने रिलेशंस ख़त्म कर देने हैं। द स्टेट वॉज ऑल्सो फॉरबिडन टू हैव एनी पोलिटिकल कॉन्टैक्ट इवन विद अदर इंडियन पावर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। इवन इंडिया के अंदर भी कोई लोकल पावर है उसके साथ भी अगर रिलेशन बनाने हैं तो उसको पहले ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स के अलावा अगर और कोई यूरोपियन पावर है तो उसके साथ आपका कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, और अगर इंडिया के अंदर आपने किसी इंडियन रूलर के साथ रिलेशन बनाने हैं तो उसमें आपको ब्रिटिशर की पहले रजामंदी लेनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्या है, द रूलर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट एट इट्स कोर्ट एंड डिसबैंड हिज ओन आर्मी। सो जो खुद की आर्मी थी उसको ख़त्म कर देना, उसको डिसबैंड कर देना, और अपने कोर्ट में एक मंत्री कौन रखना, ब्रिटिशर रखना है। माने उसमें होगा क्या कि जैसे एम्बेसडर आज के टाइम में भेजे जाते हैं डिप्लोमेट्स, वैसे ही हर एक कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, मतलब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल रहेगा जो उनके बीच में कनेक्शन का काम करेगा रूलर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। ही शुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियंस इन हिज सर्विस विदाउट द सेंक्शन ऑफ द पैरामाउंट पावर। सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ पे किसके अलावा, एक ब्रिटिश रेजिडेंट के अलावा किसी और यूरोपियन को अपने यहाँ पे एज ऑफिशियल और एज अ सर्विस पर्सन नहीं रख सकता। देन नेक्स्ट, द पैरामाउंट पावर शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। ये सारी चीज़ें तो होंगी, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, बट उसके अलावा जितने भी इंटरनली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उसमें जो पैरामाउंट पावर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। सो ये सारा का सारा था सब्सिडरी अलायंस के बारे में, और इसमें आपको एक दो फैक्ट्स क्या याद रखने हैं कि हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज ब्रॉट अंडर वेलिसले सब्सिडरी सिस्टम इन 1798। सो पहली स्टेट कौन सी थी, हैदराबाद थी। और इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट्स थी, औध या अवध जिसको बोलते हैं, तंजोर इज इन तमिलनाडु, सूरत आगे गुजरात में, और कर्नाटक। दीज वर दी अदर स्टेट्स विच वर नेक्स्ट अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सो ये फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखना। सो आई होप सब्सिडरी अलायंस आपको क्लियर है। लेट्स स्विच टू द अदर टॉपिक, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1848 बाय लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, एंड रिमेंबर लॉर्ड डलहौजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिकॉज बड़े सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जैसे रेलवेज इंडिया में इन्होंने इनके टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ, पोस्टल सिस्टम जो है वो इनके टाइम पर, टेलीग्राफ सिस्टम इनके टाइम पर, इरीगेशन जो पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट है वो इनके टाइम पर स्टार्ट हुआ। सो इसलिए इनको कहा जाता है इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन एनी इंडियन प्रिंसली स्टेट अंडर द सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ वेसल स्टेट अंडर द ब्रिटिश सब्सिडरी सिस्टम वुड हैव इट्स प्रिंसली स्टेटस अबॉलिश्ड इफ द रूलर वॉज आइदर मैनिफेस्टली इनकॉम्पिटेंट और डाइड विदाउट अ मेल हायर। मतलब क्या है कि कोई भी इंडियन स्टेट जो ब्रिटिश एरिया जितना ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है, उसमें जितनी भी इंडियन स्टेट्स हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएंगी अगर दो चीज़ें, पहला अगर वहाँ का रूलर जो है वो मैनिफेस्टली इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो वहाँ पे ढंग से रूल नहीं कर रहा है, या फिर ही डाइड विदाउट अ मेल हायर, उसका कोई मेल हायर मतलब उसका खुद का कोई बेटा नहीं है। सो यहाँ अडॉप्टेड सन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे खुद के जो ब्लड का सन है वो होने का कॉन्सेप्ट है। सो दो चीज़ें आपको ध्यान रखने, इफ़ द रूलर वॉज आइदर मैनिफेस्टली इनकॉम्पिटेंट और ही डाइड विदाउट अ मेल हायर, इन दोनों कंडीशन में उस एरिया का रूल डायरेक्टली चला जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और वी कैन से द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाएगा। एज पर दिस एनी अडॉप्टेड सन ऑफ द इंडियन रूलर कुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड एज हायर टू द किंगडम। सो अगर किसी ने कोई अडॉप्ट करके रखा है बच्चा, तो उसको उसकी किंगडम नहीं दी जाएगी। द अडॉप्टेड सन वुड ओनली इनहेरिट हिज फॉस्टर फादर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको सिर्फ उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर एक किंग है उसके पास चार घर हैं, सो
वो चार घर उसके बेटे को मिल जाएंगे अडॉप्टेड सन को, बट पूरे उस एरिया का पूरा रूल उस अडॉप्टेड सन को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट अ नेचुरल हायर. द अडॉप्टेड सन वुड ऑल्सो नॉट बी एंटाइटल टू एनी पर्सन दैट हिज फादर हैज़ बिन रिसीविंग और टू एनी ऑफ हिज फादर्स टाइटल. ना तो जो अडॉप्टेड सन है उसको फादर की पेंशन दी जाएगी, ना उस फादर का टाइटल दिया जाएगा. सो यहाँ दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा. जो पहली कंडीशन थी कि अडॉप्टेड सन जो है सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, वो हुआ किसके केस में? रानी लक्ष्मीबाई के केस में. रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे गंगाधर राव, वो झांसी में रूल करते थे, उनका खुद का बेटा नहीं था, तो दे हैव अडॉप्टेड अ सन. सो जब उनकी डेथ हुई गंगाधर राव की, तो लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर्ड कि अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स झांसी को अनेक्स कर लिया जाएगा, और जो सन है क्योंकि वो अडॉप्टेड सन है इसलिए उसको वहाँ का रूल नहीं दिया जाएगा. दूसरी कंडीशन जो हुई वो हुई नाना साहेब के साथ, हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड. सो उनको ना तो पेशवा की पेंशन मिल गई और ना उनका टाइटल दिया गया. सो दोनों चीज़ें उनको नहीं दी गई. क्यों? क्योंकि ही वॉज एन अडॉप्टेड सन. सो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट चलते हैं. अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द कंपनी एनेक्स्ड मैनी प्रिंसली स्टेट्स. अब इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. विच वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट वॉज एनेक्स्ड बाय डलहौजी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? दैट वॉज सतारा इन महाराष्ट्र. And which was the last state? So last state was Awadh or Audh in 1856. उसके अलावा जयपुर एंड संबलपुर इन ओडिशा, नागपुर एंड झांसी इन 1854, तंजौर एंड एरकॉट इन 1855, एंड उदयपुर इन छत्तीसगढ़ एंड अवध इन 1856. सो आपको इन स्टेट्स के नाम भी ध्यान रखने. ये जयपुर है, जयपुर नहीं है जो आज राजस्थान में, इट इज़ जयपुर इन ओडिशा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट. मुझे लगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सो आपको इनकी डिटेल में समझ होनी ज़रूरी है, पर्टिकुलरली जो लोग UPSC या स्टेट PSC जिसको हम जम्मू कश्मीर में KS बोलते हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये डिटेल में क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेन्स में भी पूछा जाता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें वीडियो को. जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर भी लेके आऊँगा, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. थैंक यू सो मच. जय हिंद.